ए अल्लाह तो रहम करम का मामला नसीब अता फरमा, शफाए कुली नसीब अता फरमा, कर्ज को पूरा अता फरमा, नमस्कार। आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ 24 नेशन पर हैं। लालू यादव की सेहत में अब सुधार हो रहा है। लालू यादव को एयर एम्बुलेंस से दिल्ली लेकर जाने की तैयारी चल रही है। इसी बीच लालू यादव की सेहत जल्द से जल्द ठीक हो, इसको लेकर के जो दुआओं का दौर है वो शुरू हो गया है। बिहार में लगातार एक के बाद एक कहीं मंदिरों में उनके लिए महाआरती हो रही है, तो कहीं मदरसे या फिर जो इमामबाड़े हैं वहाँ पर उनके लिए दुआ की जा रही है। लालू यादव के लिए ऐसे ही कुछ छात्रों की तरफ से मदरसे के अंदर से किस तरीके से दुआ की जा रही है, दिखाते हैं पूरा वीडियो। शफाए कुली नसीब अता फरमा, कर्ज को पूरा अता फरमा, नसीब अता फरमा, हम लोगों को हर बला हर मुसीबत से बचा ले, हर मुसीबत से बचा ले, सबों की भलाई नसीब अता फरमा दे। अल्लाह खास से श्री लालू यादव ना बीमार है, उनको सेहत का लाजरा नसीब अता फरमा दे। लालू यादव साहब को अच्छा से अच्छा तबीयत ठीक कर दे। तमाम लोग जितने भी लोग हैं सबको तंदुरुस्ती अता फरमा दे। लालू यादव साहब की तबीयत की दुरुस्त अता फरमा दे। लालू यादव साहब को ऊंचे से ऊंचे बुलंदी पर ले जा। अल्लाह श्री लालू यादव साहब को हर बला हर मुसीबत हर परेशानी हर दुख और मुसीबत से अल्लाह तू बचा ले। अल्लाह मौत कहानी बरहक है, लेकिन तू जब चाहे मौत किसी को दे सकता है। ए अल्लाह लेकिन श्री लालू यादव साहब को तू फाता फरमा। लालू यादव साहब को मोहलत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, यादव को अच्छा से अच्छा तबीयत ठीक कर दे। हर बला हर मुसीबत से लालू यादव साहब को बचा दे। अच्छे लीडर है, अच्छे रहबर है, अल्लाह ऐसे रहबर ऐसे लीडर की हमें जरूरत है। अल्लाह ऐसे लीडरों को दुनिया में थोड़ी सी मोहलत अता फरमा दे। तो बता दें आपको कि लालू यादव जो हैं उनकी सेहत उस वक्त बिगड़ी जब वो अपने घर पर यानी कि 10 सर्कल रोड स्थित राबड़ी आवास की सीढ़ियों से गिर गए, जिसके बाद उनके दाहिने कंधे में अचानक से चोट आई, उसके बाद सांस लेने में दिक्कत होने लगी और उसके साथ साथ जो दूसरी समस्याएं थी वो उभर के सामने आ गई। उसके बाद लालू यादव को पटना के एक निजी अस्पताल में डॉक्टरों की देखरेख में रखा गया, जिसके बाद अब उन्हें दिल्ली एयर एम्बुलेंस से भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।